शहर की आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने चलाए जा रहे संकल्प यात्रा में अब तक 2688 लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहर की आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 57 गोवर्धन चौक उरला और वार्ड 28 दुर्गा मंच बांसपारा में शिविर लगाया गया। संकल्प यात्रा रथ दोनों जगहों पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी ली गई। शिविर में 17 से अधिक योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर निशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया, शुगर बीपी की जांच की गई। इस अवसर पर आयुक्त लोकेश चंद्राकर, पार्षद राकेश सेन पार्षद सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कोरोना काल के समय में मोर घर बने के शुरू हुए से वही समय मोर नाम है सर। और मैं अपन आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दे रहे हूँ, काबू के कोरोना काल के समय मोर पति खत्म हो गई तो मैं बहुत ज्यादा त्रस्त रहे हूँ। कच्चा मकान से बेरोजगार हो गए हूँ मैं, तो मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मोर रोजगार भी दिल से जो आगे बढ़े हूँ। और मोर घर कचहरी से पक्का भी बने से और हमारे गरीब मन विकास के लहर लजूर रह गए वो आगे बढ़ाते ही रहे। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम प्रभुदयाल वरखड़े है, मैं रामनगर वार्ड नंबर 57 का रहने वाला हूँ। मेरा वार्ड का ऑपरेशन मोतियाबिंद का 7 तारीख को जिला अस्पताल चिकित्सालय में हुआ है और मैं स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया हूँ, मेरे को एक भी पैसा नहीं लगा है, इसलिए मैं मोदी जी का गारंटी योजना के तहत धन्यवाद करता हूँ। सरोज बाग है, मैं वार्ड क्रमांक 16 में रहती हूँ। मुख्यमंत्री योजना के तरफ से 5000 राशि प्राप्त हुई है, मैं अपने बच्चे को खान पान में लगाई हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ है। मुझे आंगनबाड़ी महतारी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ये मुझे वो लागू किए हैं, धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी योजना के तहत मेरे कच्चे मकान में आज पक्का छत मिल गया है और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी खुश हूँ, मेरे परिवार भी खुश है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।